जी हाँ दोस्तों, आप सब देखने वाले हैं इस वीडियो में बीमित सूत्र के बारे में, अर्थात बीमा कैसे निकाला जाता है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि बीमा कैसे निकल जाती है और इसको विस्तार से बताएंगे। छोटी छोटी बात बताएंगे पहले आपको, ठीक है, कि एकदम विस्तार से कभी भूलेंगे नहीं आप। और ये बीमा आप जानते हैं कि विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे हाई स्कूल इंटर से लेकर के आप तैयारी करते हैं, कोई परीक्षा फॉर्म डालते हैं, तो उसमें भी बीमा सूत्र पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि बीमा सूत्र होता क्या है। बीमा सूत्र जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बताने वाले हैं बीमा सूत्र। हम लोग जानेंगे बीमा सूत्र। बीमा सूत्र किसी भौतिक राशि की बीमा को प्रकट करने वाले सूत्र को ही बीमा सूत्र कहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो होती है कि बीमा सूत्र कैसे हम लोग लिखें, बीमा सूत्र किसे कहेंगे, सबसे समस्या तो यही आती है। तो हम लोग जान लेंगे पहले, अगर बीमा सूत्र लिखना है आपको, बीमा सूत्र के लिए कुछ नियम हैं, तो पहले नियम जान लेते हैं। जैसे बीमा सूत्र में कभी लंबाई की बात होगी, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ। लेंथ का जो पहला अक्षर है यल से शुरू हुआ है, इसीलिए जब भी लेंथ की बात आएगी अर्थात लंबाई की बात आएगी बीमा सूत्र के लिए, हम लोग एल से व्यक्त करेंगे, अर्थात एल लिखेंगे और ऐसे इसको कैपिटल अर्थात बड़े कोष्ठक में इसे बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अगर समय की बात होगी बीमा में, किसी भी अगर राशि को बीमा में अगर समय की बात होगी, तो समय को हम लोग जानेंगे टाइम। समय को टाइम जानते हैं हम लोग, इंग्लिश में कहते हैं टाइम। टाइम का जो इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश का जो अक्षर है, पहला अक्षर जो है कैपिटल टी लिखा जाता है। इसीलिए जब भी बीमा में टाइम आएगा, समय आएगा, तो उसके लिए टी लिखेंगे, कैपिटल टी, ऐसे बन जाएगा बीमा। आपको इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले उसको बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं, तभी आपको ले चलते हैं, इसको विस्तार से बताएंगे। हम चाहते हैं कि ये टॉपिक कभी आप भूलो ना। वैद्युत धारा, जब भी भौतिकी में यानी भौतिक विज्ञान में बीमा में वैद्युत धारा की बात होगी, तो वैद्युत धारा को हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इसको, इंग्लिश बोलते हैं वैद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, जब इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी यानी वैद्युत धारा की बात होगी, तो उसका जो बीमा सूत्र होगा ए लिखा जाएगा, कैपिटल ए। और जब ताप की बात होगी, ताप की बात यानी टेम्परेचर की बात होगी, टेम्परेचर को यानी तापमान कहते हैं। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे हो कि इसका पहला अक्षर टी हुआ, तो इस वैद्युत धारा का ये ए क्यों आ गया? तो ये वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर मतलब होता है ए, ठीक है, एएमपी लिखा जाता है ना एम्पियर में, तो कैपिटल ए आ गया, ठीक है। तो तापमान, देखिए तापमान मतलब टेम्परेचर, अब ये डिग्री सेल्सियस में होता है तापमान ना, तो फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में तापमान मापी जाती है, तो इसके लिए थीटा प्रकट करेंगे, थीटा से व्यक्त करेंगे, ठीक है। ये तो नियम कुछ हैं, और मास की बात होगी, द्रव्यमान की बात होगी, ठीक है। द्रव्यमान जब आएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे मास। द्रव्यमान को जो इंग्लिश होता है मास कहते हैं, यानी ए डबल एस। तो मास का पहला जो कैपिटल लेटर है यम है, इसीलिए जब भी बीमा में हम लोग बात करेंगे तो उसके लिए कैपिटल एम ही लिखेंगे। चलिए आपको बताते हैं अब बीमा, अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी, देखिए जो ऊपर हमने बता दिया इम्पोर्टेंट चीज़ था, अगर ये आपको समझ में आया है हमेशा इसको याद रखेंगे। अगर ये याद रहेगा तो समझ लीजिए बीमा आप कभी नहीं भूलेंगे, हमारी गारंटी है। और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंजॉय विथ आरसी सिंह में स्वागत करता हूँ। अब आपको ले चलते हैं टॉपिक पर। तो पहला जो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्षेत्रफल की बीमा निकालना है, ठीक है, क्षेत्रफल की बीमा निकालना है। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता होना चाहिए। देखिए किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालना है तो उसको पहला आपका पहला काम क्या है कि यदि आपको उसका परिभाषा पता है तब भी निकाल सकते हैं बीमा, और यदि आपको मात्रक पता है तब भी निकाल सकते हैं, अगर उसका फार्मूला पता है तब भी निकाल सकते हैं। इतने तरीके से बीमा निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ये आप जानते हो। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अब हम पहले इसका मात्रक निकाल कर बता देते हैं आपको, इसका मात्रक क्या होता है, समझिएगा। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी होता है मीटर, ठीक है ना, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर।
तो बताइए मीटर और मीटर गुणे करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ग मीटर, जिसको स्क्वायर मीटर बोलते हैं, वर्ग मीटर इसको बोलते हैं ना, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग मीटर होता है, ठीक है, वर्ग मीटर बोलते हैं। अब हम इसको बताने चल रहे हैं बीमा, बात समझिएगा। हमने कहा अभी थोड़ी देर हमने पहले बताया कि जब भी लंबाई की बात होगी, लेंथ की बात होगी, उसका जो बीमा लिखे जाएगा उसको लेंथ बोलेंगे, एल लिखेंगे, ठीक है, एल लिखेंगे। उसके लिए बीमा के लिए क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। और देखिए अब यहाँ क्या है, गुणा लिखिए, गुणा बनाइए। चौड़ाई के लिए भी क्या है भाई, चौड़ाई में भी लंब होगा, उसका चौड़ाई का मात्रक भी क्या है, मीटर है ना, तो उसके लिए भी हम लोग लिखेंगे एल लिखेंगे, ठीक है। अब बात समझिएगा, अब यहाँ पर समझिएगा ये चीज़ तो बन गया आपका। अगर दोनों को मिला दिया जाए, देखिए लंबाई गुणे लंबाई अर्थात क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर आपने यहाँ लिखा है तो क्या हो जाएगा, एल के पावर 2 हो जाएगा। एल पावर कितना हो जाएगा, 2। तो एल के पावर 2 जो है क्षेत्रफल की बीमा आ गई। आपको फिर से बताना चाहते हैं, देखिए लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रक होता है मीटर, तो वर्ग मीटर हो गया, इसका मात्रक हो गया, ठीक है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश बता दिया जाए, इंग्लिश में अगर लिखा जाए बहुत तो एम स्क्वायर लिखा जाता है बस इसको, ठीक है, वर्ग मीटर ऐसे ही बनता है। अगर देखा जाए यहाँ पर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई के लिए भी एल लिखा जाएगा, चौड़ाई के लिए भी एल लिखा गया, क्यों, क्योंकि इसका मात्रक मीटर तो इसका मात्रक भी मीटर, तो इसीलिए इसका इसके लिए भी वही लिखा गया जो इसके लिए भी लिखा गया। तो आप समझिएगा यहाँ जो क्षेत्रफल का जो बीमा आई वो क्या हो गई, एल स्क्वायर हो गई। अब आपको अगला सवाल बताने चल रहे हैं, अगली टॉपिक ले रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है, अर्थात आयतन लेने चल रहे हैं। आयतन समझिएगा, आयतन क्या होता है, आयतन की बीमा निकालना है। आयतन को इंग्लिश बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन को इंग्लिश बोलते हैं वॉल्यूम, समझिएगा। अगर लंबाई की बात किया जाए तो लंबाई की डिफिनेशन क्या बनेगी भाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को ही क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए आयतन, आयतन बराबर होता क्या है, लचऊ, अगर हम बोल दें लचऊ, ठीक है, लचऊ, हमने ऐसा क्यों लिखा, यह होता है लंबाई, ठीक है, आयतन का सूत्र जो होता है लंबाई गुणे चस क्या हो जाएगा, चौड़ाई, और उससे हो जाएगा ऊंचाई, ठीक है। तो आयतन बराबर क्या होता है, लचऊ, इसलिए फार्मूला आपको बता दिए, ट्रिक याद करने की, आयतन का भी सूत्र नहीं भूलेंगे आप लोग, आयतन बराबर होता क्या है, लचऊ, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसमें आयतन में तीन चीज़ होती है। तो बताइए लंबाई का जो मात्रक होगा वो भी क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर होता है। अब बात समझिएगा, मीटर के लिए क्या लिखोगे आप, एल लिखोगे, ठीक है, एल लिखोगे, और इस मीटर के लिए भी एल लिखोगे आप, और इस मीटर के लिए भी एल लिखोगे, ठीक है, ये चीज़ तो आपने लिखो। अब बताइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल 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 गुणा में घातें जुड़ती हैं, बताइए एल यहाँ पावर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, इसके पावर सब में एक है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं कितना हो जाएगा, एल के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। जैसे एल के पावर 3 हुआ तो ये क्या आ गई, अर्थात आयतन की बीमा आ गई, ठीक है, आयतन की बीमा आ गई। इसको हम लोग लिख सकते हैं किसको, अगर लिखा जाए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो हम लोग कहें अगर इसका आयतन निकालें तो आयतन का जब भी मात्रक लिखना होगा तो मात्रक आप लिख सकते हैं क्या, घन मीटर, इसको बोलते हैं घन मीटर, ठीक है, घन मीटर ऐसे लिखा जाता है, या इसको ऐसे लिख सकते हो घन मीटर ऐसे, ठीक है। तो आयतन का जो बीमा निकली क्या होता है, एल पावर 3 हो गई, एल के पावर 3 क्या है, यही बीमा है। तो अगर हम लोग कहें आयतन का, आयतन किसे कहते हैं, तो हम लोग जान जाएंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल को ही बोलते हैं आयतन बोलते हैं। अब आपको ले चलते हैं अगले टॉपिक पर, अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ वेग के बारे में, ठीक है, वेग क्या होता है समझिएगा, वेग अर्थात वेग को बोलते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी, ठीक है, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। वेग का मात्रक क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो पहले हम लोग इसका फार्मूला जानेंगे, यानी कि इसका सूत्र क्या होता है, वेग बराबर होता क्या है, वेग बराबर होता है विस्थापन अपान कितना होता है, समय होता है, यानी समयांतराल होता है, ये परिभाषा है, इसकी डिफिनीशन बन जाएगी यहाँ से, ठीक है। अर्थात वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समयांतराल।
अगर इसकी डिफिनीशन पे हम लोग जाएं तो क्या कहेंगे, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में हम लोग कहें तो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम लोग अब जानेंगे कि इसका मात्रक क्या होता है पहले। अच्छा, विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, बात समझिएगा, विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड। तो समझिएगा, विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक यानी वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ऊपर जाएगा तो प्रति लग जाएगा, ठीक है। इसको ऑब्लिक करते हैं तो मीटर प्रति, ये जो चिन्ह लगा हुआ इसको बोलते हैं प्रति, ठीक है, तो मीटर प्रति सेकेंड। अब इसकी बात आती है विमा के लिखने के लिए, या इसको हम इंग्लिश बताते हैं कि वेग को, जो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे भी लिखा जाता है। अब आपको विमा लिख के बताते हैं। देखिए, मीटर आया ना, लंबाई का मात्रक है, तो इसके लिए एल लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, यहाँ अब लिखकर आप बटे हैं ना, देखिए, अब समय का क्या होता है टी होता है, समय के लिए क्या लिखते हो आप लोग, टी लिखते हो, तो ऊपर जाएगा टी, तो देखिए नीचे है, ऊपर जाए तो माइनस वन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक घर छुपा रहता है, तो क्या हो जाएगा एल टी के पावर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। एल टी के पावर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। ये किसकी बीमा आ गई, ये वेलोसिटी की बीमा आ गई, अर्थात वेग की बीमा आ गई, वेग को बोलते हैं, ठीक है। वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय अंतराल, वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय अंतराल, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं हिंदी में मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड, और इसका जो बीमा आई एल टी माइनस वन हो जाएगी। अब इसके बाद हम आपको बताने वाला हूँ स्पीड के बारे में, स्पीड चाल। देखिए समझिएगा स्पीड क्या होती है, स्पीड को बोलते हैं हिंदी में चाल, ठीक है। तो चाल होता क्या है, चाल बराबर जानते हो, हमेशा रटे हो कि चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हम सब जानते हैं। दूरी का मात्रक होता है मीटर, बात समझिएगा, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ पर इसका जो मात्रक निकलेगा क्या निकलेगा, मीटर प्रति सेकंड निकलेगा, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड निकलेगा ना, तो अब बताइए यहाँ पर मीटर, अगर इसकी ये तो मात्रक आ गया, ठीक है, ये तो मात्रक आ गया। अगर इसको लिखना चाहे इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन अगर हम बीमा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मीटर के लिए क्या लिखेंगे एल, और समय के लिए टी लिखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस कितना हो जाएगा वन, एल टी पर कितना हो जाएगा माइनस वन। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब तो ये हुआ कि वेग और स्पीड यानी कि वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों की बीमा मात्रक दोनों सेम है, ठीक है ना, अर्थात उसकी परिभाषा थोड़ा सा अंतर हो गया, आपको बता देना चाहते हैं डिफिनीशन। यहाँ पर देखो दूरी परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं और वेग कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको ले चलते हैं अगले टॉपिक पर, आपको बताने वाला हूँ एक्सेलरेशन के बारे में यानी त्वरण के बारे में। आप समझिएगा त्वरण क्या होता है समझिएगा, त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का फार्मूला क्या है, त्वरण का फार्मूला हम लोग जानते हैं, त्वरण होता क्या है, वेग परिवर्तन बटे होता क्या है समय अंतराल होता है, वेग परिवर्तन अपान क्या होता है समय अंतराल। अब इसकी बीमा हम लोग लिखने चल रहे हैं, बीमा से लिखने से पहले इसका मात्रक लिखते हैं, ठीक है। तो वेग आया ना वेलोसिटी, अर्थात इसके पहले हम आपको वेग की परिभाषा बता दिया और इसकी डिफिनेशन बताया आप इसको और इसका मात्रक बताया। तो इसके पहले हमने जब बताया तो वेग का क्या लिखे थे, एल टी के पावर कितना माइनस वन लिखे थे, थोड़ी देर पहले ही एल टी पावर माइनस वन लिखे थे, और यहाँ पर समय के लिए टी लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जो बीमा बनेगा, बीमा क्या बनेगा, एल देखिए एल और टी ऊपर जाए कितना हो जाएगा माइनस वन, तो क्या हो जाएगा एल टी पावर कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, क्यों हुआ, क्योंकि एक माइनस पहले से था और ये भी ऊपर जाएगा तो एक माइनस लेके जाएगा, क्यों, क्योंकि एक घात छुपा होता है इसमें, तो माइनस ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस टू हो जाएगा। ये तो इसकी बीमा आ गई। अगर इसका मात्रक लिखना होगा तो क्या होगा, वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है,
और बट्टे क्या समय का मात्रक होता है सेकंड, बताइए समय का मात्रक सेकंड। तो अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा और सेकंड एक ऊपर पहले से है, क्या हो जाएगा मीटर, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक सेकंड पहले से है, तो क्या बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो रही एक्सीलरेशन की विमा और मात्रक। अब हम लोग जान लेते हैं कि एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं। तो स्पष्ट है यहीं से कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में अगर हम लोग बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, अर्थात वेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत ही विस्तार से बताएंगे, यानी कि भौतिक में जितनी राशियां होती हैं हम सभी राशियों का भाव आपको बताएंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे, उसकी डेफिनेशन बताएंगे, उसका मात्रक बताएंगे, उसकी विमा निकाल के बताएंगे। तो आप सब अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।